महाभारत के समय की बात है। ये अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते ना, इसीलिए हम सब चूहों की तरह प्राण बचाते भटक रहे हैं। क्या पुनियन सेल्वन के ट्रेलर ने एक बार फिर से बढ़ाई बॉलीवुड की धड़कने? क्या ऐश्वर्या को देखकर थम जाएंगी आपकी सांसें? क्या है फिल्म की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। दोस्तों, अगर आप सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। दोस्तों, मणि रत्नम का ड्रीम फिल्म पुनियन सेल्वन यानी कि PS1 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। मेकर्स ने अपनी इस फिल्म का ट्रेलर चेन्नई में नेहरू इंडोर स्टेडियम में इवेंट के दौरान लॉन्च किया। वहीं दोस्तों, PS1 के ट्रेलर को रिलीज होते ही चंद मिनटों में YouTube पर भी वायरल कर दिया गया। देखते ही देखते ट्रेलर को हजारों व्यूज मिल गए। आपको बता दें, ये हिस्टोरिकल थीम पर बेस्ड फिल्म है जिसमें जबरदस्त ग्राफिक्स देखने को मिल रहे हैं और कमाल की सिनेमेटोग्राफी है। PS1 एक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन और विक्रम समेत बहुत सारे साउथ इंडियन एक्टर्स हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, फिल्म का ट्रेलर हिंदी समेत 5 भाषाओं में रिलीज किया गया है। वहीं PS1 के ट्रेलर को बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अनिल कपूर ने आवाज़ दी है, जो कि हिंदी ट्रेलर है। PS1 एक मेगा बजट फिल्म है जिसमें साउथ के बहुत ही शक्तिशाली चोल राजवंश में सत्ता संघर्ष की कहानी दिखाई गई है, जो कल्कि के नॉवल PS में बेस्ड थी। ये फिल्म 30 सितंबर को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बड़े बजट की इस फिल्म को मेकर्स काफ़ी मेहनत से बनाते हैं और फिर इसे रिलीज करने के लिए उन्हें बहुत सारे गस्त चाहिए, क्योंकि मेगा बजट फिल्म है, साथ ही उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। वहीं आदित्य की बात करें तो वो करिकलान की भूमिका में नजर आएंगे, जबकि विक्रम वंथिया थेवन और कार्तिक कुंडवई के रोल में नजर आएंगे। तो दोस्तों, कितना वेट है आपको PS1 का और कैसा लगा ये ट्रेलर, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।